अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायो 503 के 3 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। डेट्स आर डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड लायोफिलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज़ डायलिसिस। डायलिसिस बेसिकली क्या होता है? प्रोसेस है ऐसा जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं एक सॉल्यूशन में से, यानी कि सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। और किसकी बेस पे ये कह लें कि सेपरेशन किसकी बेस पे हो रही है, तो डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी एनर्जी। और ये हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि जो अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने का रास्ता देती है उनको, ठीक है, उनको अलाउ करती है कि वो पास कर जाएं, व्हाइल इट डजंट अलाउ सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से, डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रिंसिपल क्या है डायलिसिस के पीछे? अब देखें, जब कोई सॉल्यूशन होता है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं और आपस में कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है कि सॉल्यूशन में दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होती है ना, वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमने कहा ना डायलिसिस जो है वो बेस करता है डिफ्यूजन पे। ये हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन वन इस साइड पे है, सॉल्यूशन टू इस साइड पे है। अब इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते रहेंगे। अगर यहाँ पे कह लें कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं, मतलब दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ना हो जाए, ठीक है। दो सॉल्यूशंस होते हैं, सैंपल सॉल्यूशन है और बफर सॉल्यूशन है, सेपरेट हुए हुए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन हो जाती है। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है, ठीक है, और जो पोर साइज है वो स्मॉल है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली गुजर जाएंगे और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए ना, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो दोनों साइड पे इक्वल हो जाती है। लेकिन अगर हम ये जो बफर सॉल्यूशन हमने लिया, अगर हम बफर सॉल्यूशन न्यू ऐड कर दें, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। किस चीज़ पे डिपेंड करके? कंसंट्रेशन पे, कि जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से मॉलिक्यूल्स उस साइड पे आ जाएंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट, इसमें एक मॉडिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन थ्रू आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स टू द अदर सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन ये किसके इन्फ्लुएंस में होगी? इलेक्ट्रिक करंट की इन्फ्लुएंस में, इसकी वजह से हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसको परफॉर्म किया जाता है स्पेशलाइज सेल में, उस सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल। इस सेल के होते हैं दो कंपार्टमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ फीड आर डाइल्यूट कंपार्टमेंट, द सेकंड वन इज़ कंसंट्रेट आर ब्राइन कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट्स बनते कैसे हैं? एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से या फिर केटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्लेस कर दी जाती है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। मतलब ये देखें, यहाँ पे है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं कैथोड, यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हमने कह दिया एनोड। इसके दरमियान में हमने प्लेस कर दी एक सॉल्यूशन जो कि हमारा है फीड कंपार्टमेंट, सेकंड है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे। यहाँ पे आप देखें, समटाइम हम क्या करते हैं कि ये देखें,
ये स्टेप। सेम टाइम हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट कर देते हैं, ठीक है, और स्टेप्स को रिपीट करते हैं। केटायन है, एनायन है, फिर केटायन मेम्ब्रेन है, फिर एनायन मेम्ब्रेन है, फिर केटायन मेम्ब्रेन है, फिर एनायन मेम्ब्रेन है, और ये हमारे दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है? इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेसेस जो होते हैं ना, ये डिफरेंट हैं डिस्टिलेशन तकनीक से और बाकी सारे मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेसेस से, क्योंकि इनमें डिजॉल्व्ड स्पीशीज जो है ना वो मूव्ड अवे फ्रॉम द फीड स्ट्रीम रदर देन द रिवर्स। मतलब हमने पढ़ा था ना, ये दो हमारे पास कंपार्टमेंट्स थे, फीड था और ब्राइन था, लेकिन अब इनमें क्या होता है कि जो डिजॉल्व्ड स्पीशीज हैं वो परे जाती हैं फीड स्ट्रीम से रदर देन रिवर्स, ठीक है। बिकॉज द क्वान्टिटी ऑफ डिजॉल्व्ड स्पीशीज इन द फीड स्ट्रीम इज़ फॉर लेस देन डेट ऑफ फिल्यूट, क्योंकि डिजॉल्व्ड स्पीशीज़ की अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो हेल्प आउट करता है उनको भी सेपरेट करने में। इसकी इलेक्ट्रोडायलिसिस की फर्दर एक और मॉडिफिकेशन है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो यूटिलाइज करता है फ्लो एंड पोलैरिटी रिवर्सल, ठीक है। इसमें पोलैरिटी को हम रिवर्स कर देते हैं और हमारे पास सेपरेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अब इससे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हम सेपरेट कर सकते हैं? प्रोटीन्स को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे, हमारी प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे। मॉलिक्यूल्स हैविंग डाइमेंशंस सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन पोर डायमीटर आर रिटेन्ड इनसाइड द डायलिसिस बैग। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो पास नहीं कर सकेंगे और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली पास कर जाएंगे। तो ये जो हमारी टेक्निक है ये सिर्फ सूटेबल है सॉल्ट या बाकी छोटे मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने में, लेकिन इट विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटीन्स इफेक्टिवली। मतलब इस स्पीड ऑफ डायलिसिस जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हॉट वाटर यूज़ करके या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज़ करके, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक इम्प्रूवमेंट है डायलिसिस प्रिंसिपल में। फिल्टर्स हैविंग पोर साइज ओवर द रेंज ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जितना बायो मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है ना उतनी रेंज पे हम फिल्टर्स बना देते हैं तो वो उसके लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं। इन फिल्टर्स में क्या होता है, पोर साइज माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, तो हाई प्रेशर जो होता है रिक्वायर्ड होता है मॉलिक्यूल्स को फिल्टर से पास कराने के लिए, और ये तकनीक यूजफुल है फॉर कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं मैक्रो मॉलिक्यूल के उनको हमने कंसनट्रेट करना है, उनमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज करनी है, तो हम ये तकनीक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये यूज़ करते हैं। अब हम ना जनरल प्रोटोकॉल देख लेते हैं डायलिसिस का। मेम्ब्रेन सबसे पहले हमने प्रिपेयर करना है, सैंपल को डायलिसिस बैग में डालना है या किसी डिवाइस में, ठीक है। सैंपल को प्लेस कर देना है डायलिसिस बफर के एक्स्ट्रा चैम्बर में। डायलाइज करना है 2 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे ही या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डायलिसिस बफर को चेंज कर देना है, डायलाइज करना है 2 और घंटों के लिए या फिर आप डायलाइज कर सकते हैं ओवरनाइट भी। जो टोटल वॉल्यूम होगा सैंपल का और डायलाइजेट का वो डिटरमाइन करेगा कि फाइनल इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन हमें कब तक अचीव हो जाएगा, मतलब कब तक हमारी दोनों साइड पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के सैंपल और डायलाइजेट के सैंपल पे। मैनी सैंपल्स विल टेक ऑन वाटर एंड बफर। अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अगर जो है ना हमारा सैंपल उसमें साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और ऑस्मोसिस कास करेगी वाटर को एंटर हो जाए फास्टर देन द बफर सॉल्ट्स विद इन द सैंपल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखें हमारे सैंपल में साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वाटर जो है वो रैपिडली एंटर होता जाएगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से, और जब ये होगा तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू रिटर्न द सैंपल टू इट्स ओरिजिनल कंसनट्रेशन। मतलब जब उसने वाटर बहुत ज़्यादा अपने अंदर सैंपल ने ले लिया है तो हमें चाहिए कि हम सैंपल को रिटर्न कर दें उसकी ओरिजिनल कंसनट्रेशन पे ही, जिसमें हमारे पास साल्ट मॉलिक्यूल्स जो थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। टू कंसनट्रेट द सैंपल डायलिसिस मेम्ब्रेन कंटेनिंग द सैंपल इज प्लेस्ड इन द स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ हिग्रोस्कोपिक कंपाउंड
मतलब अब हम ऑर्डिनरी डायलाइजेट की बजाय ऐसा कंपाउंड इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमें इस प्रॉब्लम से हेल्प आउट करता है, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल से बना होना चाहिए जिनका साइज़ जो है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज़ से ज़्यादा हो, ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो जाए, ठीक है। अब एक और मेथड है हमारे पास, उसको हमने कहा फोर्स डायलिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, हम वैक्यूम अप्लाई कर देते हैं सैंपल में, ठीक है, जो कि डायलिसिस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब वैक्यूम का क्या काम होता है कि ये वाटर को पुल करता है इफेक्टिवली बफर साल्स को और अदर लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को और डायलिसिस चैम्बर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब एक तो ये फॉर्म थी, वैक्यूम अप्लाई हो गया। एक और फॉर्म भी है डायफिल्ट्रेशन की, पुशिंग सैंपल्स थ्रू द डायलिसिस मेम्ब्रेन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि हम फोर्स यूज़ करके जो वाटर है, जो बफर साल्ट्स हैं, जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सेकंड वन हमारा टॉपिक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, फोर्सेस लाइक प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ की जाती हैं और सेपरेशन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सॉल्यूट्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट आर रिटेन्ड इन द रिटेंटेट और लो वाटर और लो मॉलिक्यूलर वेट वो पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन से और उनको हम कहते हैं ये फिल्ट्रेट है, ठीक है। जो हमारे पास पड़े रहेंगे मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, रिटेंटेट, और जो पास आउट कर जाएंगे वो क्या हैं, फिल्ट्रेट। और सब इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री और रिसर्च में प्योरीफिकेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स की और स्पेशली प्रोटीन्स की, क्योंकि जो डायलिसिस प्रोसेस था उसमें हम प्रोटीन्स को सेपरेट नहीं कर सकते थे इफेक्टिवली। एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट करना है फ्रॉम बफर कंपोनेंट से, शुगर को एक्सचेंज या रिमूव करना है, नॉन एक्विस सॉल्वेंट को एक्सचेंज या रिमूव करना है, प्रोटीन बाउंड लिगेंड्स को फ्री करना है, मटेरियल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट को रिमूव करना है और आयोनिक और पीएच एनवायरनमेंट को रैपिडली चेंज करना है। प्रिंसिपल इसका क्या है, द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यूजेज अ प्रेशर, ठीक है। अब इसमें प्रेशर के थ्रू सेपरेशन होती है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो रिलेशन है अप्लाइड प्रेशर के दरमियान में और फ्लक्स थ्रू द मेम्ब्रेन, मतलब हम जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं आइदर उतने ही हमारे मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसको डार्सी इक्वेशन कहा जाता है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर लिया जाता है, ठीक है। म्यू जो है ये सॉल्वेंट विस्कोसिटी है, आर टी जो है टोटल रेजिस्टेंस है, और जे क्या है, फ्लक्स, यानी कि हम जितना मेम्ब्रेन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं आइदर उतनी ही माइग्रेशन भी हो रही है मॉलिक्यूल्स की कि नहीं। अब यहाँ पे देखें, पॉलीमेरिक है, रीजनरेटेड सेलुलोज है और सिरामिक्स है, ये हम डिफरेंट मेम्ब्रेन्स यूज़ कर सकते हैं इनमें। एप्लीकेशंस क्या हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एफिलिएंट फ्रॉम पेपर पल्प, चीज़ मैनुफैक्चर में यूज़ होता है, रिमूवल ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द मिल्क, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, इंजाइम रिकवरी में यूज़ किया जाता है, फ्रूट जूस कंसंट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन, डायलिसिस एंड अदर ब्लड ट्रीटमेंट्स, डी साल्टिंग मतलब साल्ट को रिमूव करना एंड रिमूट एंड सॉल्वेंट एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, लेबोरेटरी ग्रेड मैनुफैक्चरिंग। अब लास्ट वन हमारा टॉपिक है और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है लायोफिलाइजेशन, ठीक है। लायोफिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट को पहले फ्रीज किया जाता है, ठीक है, फिर रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट। फ्रीज ड्राइंग तकनीक भी इसको कहा जाता है, क्रायोडेसिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक इसमें प्रिजर्व किया जाता है पेरिशेबल मटेरियल को, ठीक है, और मटेरियल ताकि ना उसको हम आसानी से किसी लैब वगैरह में लेके जाना है तो हम ले जाएं। और इसमें पहले मटेरियल को फ्रीज किया जाता है, ठीक है, और देन सराउंडिंग द इसका रिड्यूसिंग द सराउंडिंग प्रेशर, इसका जो प्रेशर है उसको कम किया जाता है ताकि जो फ्रोजन वाटर है वो सब्लिमाइन कर जाए डायरेक्टली सॉलिड फेज से गैस फेज में, मतलब वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाए और हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर लें सॉलिड से गैस में।
principles involved in freeze drying. Water is removed from frozen state by sublimation. Sublimation होता है मतलब किसी एक स्टेज को स्किप करके ना डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेज में जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना उसमें कन्वर्जन. ड्राइंग जो है अचीव की जाती है सब्जेक्टिव मटेरियल को टेम्परेचर और प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर इनको दिया जाता है ठीक है. और मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द फेस वो दो ही हो सकते हैं जो हम दे रहे हैं उनको, टेम्परेचर और प्रेशर. अगर टेम्परेचर बिलो हो बिटवीन सी लेवल फ्रीज पॉइंट पे और सी लेवल बॉइलिंग पॉइंट पे तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा. लेकिन अगर टेम्परेचर 32 फॉरनहाइट से ज़्यादा हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम हो तो वाटर जो है वो बहुत गर्म हो जाएगा लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि गैस बन जाएगा ठीक है. फंडामेंटल्स इसमें चार हैं. सॉल्यूशन है, फील्ड सॉल्यूशन जो कि वायल्स में प्रेजेंट है, फ्रोजन स्टेट है और प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइंग है और ड्राइड प्रोडक्ट है. प्रोटोकॉल क्या है, हमने एक आइस बॉक्स प्रिपेयर करना है. ये ड्राई आइस होती है, लैब में प्रेजेंट होती है ठीक है. इसमें ऐड करना है एथेनॉल, ट्रांसफ़र कर देना है आइस बॉक्स में, कैप रिमूव कर देनी है, सील कर देना है, होल बना देने हैं सिरिंज नीडल्स के साथ, लायोफिलाइजर ऑन कर देना है ठीक है. और वेट करना है वैक्यूम टू रीच लेस देन 100 एमटी एंड कंडेंसर टेम्परेचर शुड बी एटलीस्ट -80 और सैंपल को लोड कर देना है. टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री होगा. वॉल को ओपन करना है और 3 आवर्स के लिए रन करना है या फिर ओवरनाइट भी कर सकते हैं. रन कंप्लीट हो जाएगा तो वैक्यूम रिलीज़ कर देना है, सैंपल ले लेने हैं, पैराफिल्म को रिमूव कर देना है, रिप्लेस कर देना है कैप के साथ और सैंपल हमारा जो है वो फ्रीज ड्राइड है. यहाँ पे देखें सैंपल प्रिपरेशन है ठीक है, फ्रीजिंग है, प्राइमरी ड्राइंग है, सेकेंडरी ड्राइंग है और हमारे पास आ रही है फाइनल प्रोडक्ट. लायोफिलाइजेशन साइकिल की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट वन इनिशियल फ्रीजिंग स्टेज है ठीक है, जिसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ले लेगी हमारी प्रोडक्ट. सेकेंड वन है प्राइमरी ड्राइंग, इसमें क्या होगा कि वेपर्स जो है ना सराउंडिंग द प्रोडक्ट लोअर होंगे देन द प्रेशर ऑफ वेपर्स फ्रॉम द आइस एट द सेम टेम्परेचर. मतलब जो पार्शियल प्रेशर है वेपर्स का जो हमारी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द हैं वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ वेपर्स फ्रॉम द आइस एट द सेम टेम्परेचर ठीक है. तो फिर क्या हो जाएगा, द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट वो भी कम होनी चाहिए देन द प्रोडक्ट्स यूटेक्टिक टेम्परेचर. यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या होता है कि हाईएस्ट अलाउएबल प्रोडक्ट टेम्परेचर, मतलब सब्लिमेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हम दे सकते हैं उसको हम कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर. अब जो थर्ड फेज है ना इसमें फाइनल ट्रेसेस ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, पार्शियल प्रेशर जो है वो और लो होना शुरू हो जाएगा और प्रोसेस जो है वो बेसिकली कम्प्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम उसको स्टोर कर सकते हैं या कहीं पर ट्रैवल वगैरह के लिए लेके जा सकते हैं. एप्लीकेशन इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में. फ्रीज ड्राइड आइसक्रीम्स जो हैं वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है. एडवांस सिरामिक्स प्रोसेसेस में समटाइम्स यूज फ्रीज ड्राइंग टू क्रिएट अ फॉर्मेबल पाउडर ठीक है, वो पाउडर वगैरह बना लेते हैं. फ्रीज ड्राइंग क्या करती है, सॉफ्टर करती है पार्टिकल्स को विद अ मोर होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन देन द ट्रेडिशनल हार्ड सेपरेट ड्राइंग. लेकिन ये लायोफिलाइजेशन प्रोसेस इज समवट एक्सपेंसिव, डेट्स वाई वी यूज़ द प्रीवियस टेक्निक्स बिकॉज दे आर इनएक्सपेंसिव एंड ईजीली अवेलेबल एट एवरी लेबॉरट्री ठीक है. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट जो हैं वो 3 टॉपिक्स और बायो 503 के कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.